तो जी माशाल्लाह उबर पे भी हमें आ गया ट्रिप जी। तो जी इन्होंने लिखा है जी दे ऐप, आप दिखाता हूँ जी क्या लिखा है इन्होंने। द ऐप शो एड मी टू डू डेट योर वॉस इज नॉट एक्टेड टू द देयर मस्ट बी वी सम मिस्टेक आई एम सॉरी बट आई लेफ्ट ऑलरेडी। सो तो मैंने उसको बोला ठीक है जी ओके नो वरीज मैं इसको ट्रिप को कैंसिल करता हूँ। तो अभी हम इसको करते हैं जी कैंसिल क्योंकि उनकी कुछ मिस्टेक थी उसकी वजह से चलो उन्होंने कैंसिल कर दिया जी। अच्छा हुआ तो अभी इसको बंद करते हैं, अब हम उबर को पिकअप करते हैं। तो माशाल्लाह जी इसी बिल्डिंग से हमें ट्रिप लग गया तो पिकअप करके देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मेरा द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी आज मैं आपको डेली कैनिंग दिखाने जा रहा हूँ। तो कुछ बातें भी शेयर करनी थी आप लोगों से, मैंने कहा इसी डेली यानी कि तो वजह से आप बातें भी शेयर हो जाएंगी। तो मुझे जैसा कि आपको मालूम है कि पार्टनर मेरा पाकिस्तान गया हुआ है, तो मेरी जो पार्किंग की प्रॉब्लम थी वो बड़ी परेशानी थी क्योंकि देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं ना पार्किंग, इस रोड के ऊपर देख रहे हैं ये पेड़ पार्किंग आती है, ये जो सामने गाड़ी लगी है और ये बोर्ड लगा हुआ ऊपर पेड़ पार्किंग का। तो ये सुबह रात 10 से सुबह 8 बजे तक ये फ्री होती है, तो 8 बजे के बाद यहाँ पे फिर फाइन देने शुरू कर देती है पब्लिक। तो 200 रुपये मुझे एक दिन आया, 200 मुझे एक दिन आया, 400 का फ़ाइन आ गया। तो वो मैंने इससे बेहतर ये सोचा कि यार क्यों ना हम पेड़ पार्किंग ले लें। तो कुछ भाई हमारे पूछते थे कि पेड़ पार्किंग क्या है जी, ये पेड़ पार्किंग है जो देख रहे हैं आप और ये मेरी गाड़ी लगी हुई है ये। तो ये 300 रुपये पर मंथ पे मैंने ली हुई है, तो वो इसको बोलते हैं पठान पार्किंग, ठीक है। तो ये 300 पर मंथ पे ली हुई है, तो इसका 10 दर्म भी नहीं बनते। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो पेड़ पार्किंग लेके जान छुड़वाते हैं, नहीं तो फिर ये डेली का डेली कोई ना कोई फाइन आ जाएगा 600-700। तो देख रहे हैं जी अभी गाड़ी भी वॉश हो गई है माशाल्लाह, आदमी भी रखे हुए हैं डेली वॉशिंग के लिए। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आपकी गाड़ी सेफ रहती है, स्क्रैच वगैरह नहीं आते। और पहले मैंने कहीं गाड़ी खड़ी की हुई थी बाई रोड पे ऐसे ही जैसे ये लगी हुई है, तो यहाँ पे कोई आदमी स्क्रैच कर गया, देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रैच मार गया कोई। तो ये बम्पर देख रहे हैं आप, निशान नज़र आ रहे हैं। तो बस यही प्रॉब्लम होती है बाहर पार्किंग लगाने की। तो बाकी इंशाल्लाह जी पार्किंग आपको दिखा दिया, अब गाड़ी में बैठते हैं और इंशाल्लाह काम चलते हैं। तो आज की अर्निंग आपको दिखाते हैं कि आजकल के काम के हालात कैसे हैं। तो जी गाड़ी के अंदर हीट काफ़ी हुई है, एसी मैंने फुल स्पीड पर लगा दिया है, फैन जो है वो फुल स्पीड पर लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि गाड़ी के लिए पसीना भी आ रहा है। तो अभी बज गए हैं जी 5:15 क्योंकि मैं आज लेट निकल रहा हूँ, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। तो अकेला काम कर रहा हूँ जी 15 घंटे 16 घंटे 14 घंटे, तो उस वजह से फिर जो है ना थकावट सी हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि अकेला आदमी इस फील्ड में काम नहीं कर सकता। अकेला आदमी को चाहिए कि वो ड्यूटी प्रॉपर चाहिए उसको। तो अभी इसका फ्यूल भी डलवाते हैं जी गाड़ी का और दिखाते हैं आपको अर्निंग आज की कि आजकल के हालात कैसे जा रहे हैं काम के और कितनी अर्निंग हो रही है। ये जो वीक गया है ना इसमें बहुत स्लो है काम, वो लास्ट पोजिशन जैसी जो काम था वो उस तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि इतना है कि थोड़े कम बच रहे हैं लेकिन बच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पॉकेट से नहीं जा रहे। तो आज की अर्निंग आपको दिखाते हैं जी, पूरी वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह आपको जरूर बड़ा मज़ा आएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते जाया करें ताकि लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर दिया करें।
तो जी आईडी ऑनलाइन करते हैं जी, करीम की और उबर की। आज देखते हैं माशाल्लाह आज कितनी अर्निंग होती है, ये भी आपसे शेयर करते हैं जी। तो अभी देखें जी, बज गए हैं 6, पहले मैं 3 बजे निकलता हूँ, 3:30 सेलेक्ट तो व्हीकल करनी है जी, ऑनलाइन कर लेने। तो अभी हो गए जी हम रेडी काम के लिए। हमारी यंगों की कोई प्रॉब्लम आ रही है जो बारिश की वजह से ना ख़राब हो गई थी गाड़ी, तो उस टाइम फिर 10 दिन मैंने लॉगिन नहीं किया, तो वो अभी ऑफिस जाना है मुझे, ऑफिस जा के फिर मुझे एक्टिव करवानी है। तो कुछ भाई पूछ रहे थे यंगो कहाँ गई, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि यंगो जो मेरी वो अभी एक्टिव नहीं है आईडी। तो जैसे इंशाल्लाह एक्टिव होगी तो इस पर भी हम काम शुरू कर देंगे अपना। तो अभी ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रही हैं कि डॉक्यूमेंट नहीं है हमारे, अभी ये देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ये हमारी क्लियर होगी आईडी तो ऑनलाइन नहीं आ रहा जी। तो माशाल्लाह मैं दूसरा ट्रिप करीब उबर के ऊपर आया जी, मैंने ये बुकिंग अपना पहला जो ट्रिप था वो कंप्लीट करके दूसरा ट्रिप लिया है जी। तो इंशाल्लाह इसको हम बंद करते हैं जी, पहला मैं बना नहीं सका तो अभी दूसरे यहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्डिंग के अंदर, तो यहाँ पे देखते हैं जी इंशाल्लाह जो भी बेहतर होता है वो आपको बताते हैं। तो जी माशाल्लाह हमारा दूसरा ट्रिप कम्प्लीट हो गया जी, अभी इसके फेयर कितने आते हैं उबर के अंदर। अच्छा ट्रिप लग गया जी अभी, तो ये मैं आ गया हूँ जुबेरा मरीना के अंदर, 77 का मरजान 1। तो अंदर भाई साहब को पार्किंग दी है जी ला के, मैंने कहा चलो जी आपको अंदर ड्रॉप करते हैं। तो अभी आ गया हूँ जी मैं मरीना वाली साइड पे, इंशाल्लाह देखते हैं जी। जो जी सेकंड हमें आ गई जी करीम के ऊपर, ये मैं डेस्टिनेशन लगाई है, देखें 11 मिनट का रास्ता बता रहे हैं। तो अभी मरीना के अंदर फंस गया हूँ मैं, तो यहाँ से यू टर्न करके देखें रेड पूरा लाइन बता रहा है, 1 मिनट का रास्ता 11 मिनट में मैंने पहुँचना है। तो अभी बस ये ट्रम की लाइन है जी यहाँ, तो बस अभी कोशिश कर रहा हूँ जी मैं पहुँचने की, लेकिन देखते हैं उनका सब्र करते हैं कि नहीं कैंसिल करते हैं, बाकी देखते हैं जाके पिकअप करके। लो जी माशाल्लाह उन्होंने सब्र तो किया है, लेकिन मैं कस्टमर की लोकेशन पे आ गया हूँ बिल्डिंगों में, तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने फिर उबर को भी लॉगिन कर लिया। ये देखिए सर्ज लगी है यहाँ पर, तो अगर उबर में मैसेज आ गया तो मैं उबर को फॉलो अप करूँगा, करीम को फिर कैंसिल कर दूंगा। तो अभी वेट करते हैं इधर, देखते हैं 5 मिनट 2 मिनट का टाइम है इंशाल्लाह, अगर करीम वाले साहब नहीं आए तो फिर हम उबर की तरफ जाएंगे, अगर उबर पे मैसेज आता है तो मैं अभी निकल जाऊंगा। तो जी माशाल्लाह उबर पे भी हमें आ गया ट्रिप जी। तो जी इन्होंने लिखा है जी दे ऐप, आप दिखाता हूँ जी क्या लिखा है इन्होंने, दी ऐप शोवर्ड मी टू रूट दैट योर वॉच इज नॉट एक्टेड टू द देयर मस्ट बी सम मिस्टेक, आई एम सॉरी बट आई लेफ्ट ऑलरेडी। सो तो मैंने उसको बोला ठीक है जी, ओके नो वरीज, मैं इसको ट्रिप को कैंसिल करता हूँ। तो अभी हम इसको करते हैं जी कैंसिल, क्योंकि उनकी कुछ मिस्टेक थी उसकी वजह से, चलो उन्होंने कैंसिल कर दिया जी, अच्छा हुआ। तो अभी इसको बंद करते हैं, अब हम उबर को पिकअप करते हैं। तो माशाल्लाह जी इसी बिल्डिंग से हमें ट्रिप लग गया, तो पिकअप करके देखते हैं जी। जी माशाल्लाह हमने ट्रिप उतार दिया जी यहाँ पे अभी कस्टमर को, तो अभी देखते हैं इसके कितने मिले, 80 दिरहम। मतलब ये करीम पे आ गया, वो लास्ट मैंने जो उबर का ट्रिप कंप्लीट किया था वहीं से मुझे एयरपोर्ट का ट्रिप लग गया था 150 में, तो वो मैं ड्रॉप करके आया हूँ दोबारा खाना खाने। तो माशाल्लाह ये हमें फिर करीम के ऊपर बुकिंग आ गई है, तो इसको पिकअप करते हैं इस टावर से यहाँ से, इंशाल्लाह इनको ड्रॉप करके देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो जी माशाल्लाह मैं उबर का लास्ट ट्रिप जो करीम का देखा था वो उसने कैंसिल कर दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गया जी होटल पे। होटल पे जब गया तो वहाँ पे कस्टमर खड़े थे, उन्होंने बोला जी हमें नेट नहीं है हमारे पास तो हमें ड्रॉप कर दें होटल से। तो मैं फिर होटल पे लेके आया उनको, माशाल्लाह 130 का ट्रिप हमें कार्ड पंच हो गया जी, उन्होंने कार्ड पंच कर दिया, देखिए 130। तो ये भी हमारी अर्निंग होगी माशाल्लाह 130 की। तो इस तरह भी होता है कि आप होटल पे चले गए हो तो आपको कस्टमर भी मिल सकता है, तो वहाँ पे जब गाड़ियाँ बिजी होती हैं। तो मैं अभी इस टाइम घूम रहा हूँ पाम बीच वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह कोई बुकिंग आती है तो वो भी आपसे दिखाते हैं। तो आज की अर्निंग आपको एंड पे दिखाएंगे टोटल हमारी कितनी होगी। तो ये बड़ा प्यारा व्यू है जी यहाँ पर देखें बिल्डिंगों के। तो जी माशाल्लाह मरीना से ही होटल में मैं दोबारा गया, वहाँ से कस्टमर पिकअप किए और उनको क्लब छोड़ना था, तो उन्होंने 70 दिरहम हमें दे दिए, 130 पहले और 70 बाद में, ये देख रहे हैं 70।
तो माशाल्लाह साथ ही होटल था उधर ड्रॉप कर दिया। अभी माशाल्लाह जा रहा हूँ जी मैं दोबारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन तो अभी आ नहीं रहा, तो मैं होटल पे चला गया था। मैंने कहा चलो वहाँ से कोई ट्रिप लग जाएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह होटल से ट्रिप लग गया। तो इंशाल्लाह अभी घूम रहे हैं ये, दोबारा ऑनलाइन भी हो के। होटल पे ये होता है कि आपने जाना है तो आपकी मर्ज़ी, नहीं जाना तो आपकी मर्ज़ी। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी, अभी घूम रहे हैं, देखते हैं आज टोटल कितना होता है। अभी जी हम यहाँ पे घूम रहे हैं हरपुर वाली साइड पे। ये हरपुर की लोकेशन बड़ी प्यारी है जी, यहाँ पे ये साइड पे समंदर है। तो बुकिंग नहीं आ रही, अभी बच गए हैं जी 12। तो इंशाल्लाह देखते हैं कब तक होता है काम, कब क्या नसीब में है, ये सारा कुछ आपसे फिर लास्ट में शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह जी ट्रिप मिल गया हमें करीम का, उसी जगह पे करी खरपुर। तो ये सामने खड़े हैं कस्टमर, इनको पिकअप करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर खड़े होंगे इस साइड पे। मैं जैसे क्रॉस किया तो इनका ट्रिप आ गया। तो ये जो दो खड़े हुए हैं लड़की और लड़का, वो उधर, तो इनको भी यू टर्न करके आगे से तो उस साइड में जाना है। ये हाईलैंडर वाले भाई भी जा रहे हैं, तो आगे से यू टर्न करके इनको पिकअप करना है। तो जी ये दुबई का मशहूर अटलांटस होटल है, यहाँ पे कस्टमर को ड्रॉप किया। मैं लोकेशन आपको यहाँ से नहीं दिखा सकता, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ मैं। ये बहुत ही मशहूर है बुर्ज अरब, अटलांटस और बुर्ज खलीफा, तो ये तीन होटल बहुत मशहूर है। तो ये साइड पे बीच है, अंदर एक वो रेड कलर की लाइट नज़र आ रही होगी आपको, वो नज़र आ रही होगी, शिप जा रही है। तो अभी मेरा जी डाटा ख़त्म हो गया, ये देखें तो 1 बजे रिन्यू होना है, तो अभी काम के लिए भी बंद हो गया हमारा काम। तो ये होटल है ये अटलांटस, यहाँ पे कस्टमर ड्रॉप किया। मैं अभी दूसरी साइड से जा रहा हूँ, ये बड़ा प्यारा जैसे किला नुमा होता है ना डोर, इसका वैसे बना हुआ है। तो ये पानी के ऊपर है, खजूर है, खजूर, ये खजूर नुमा जो लोकेशन ना दुबई के अंदर, इसको बोलते हैं पाम। तो ये उस पे है होटल। चलो ये पाम 5 में आया हूँ जी लेके कस्टमर क्लब से। तो कस्टमर जा रहे थे जी, कह रहे जी हमें बड़े थक गए हैं, प्लीज़ हमें आगे ड्रॉप कर दें। तो मैंने बोला कितने दे देंगे, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मेरे से सर्विस ली। और बोलते नहीं, मैंने बोला रहने दें, बोलते नहीं नहीं आपकी पेमेंट है यार आप ले लो। तो उसको मैंने दिए जी 50 दिरहम, ये देख रहे हैं लास्ट पे 3 ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये आज का भी ये कंप्लीट हो गया जी माशाल्लाह। तो दिखाते हैं एंड पे आपको। तो जी माशाल्लाह ये लास्ट का समय करीम का, जब मेरा डाटा ख़त्म हो गया था, अभी डाटा एक्टिव करवाया तो 28 इसके हमें मिल गए। तो ऊबर पे हमारा माशाल्लाह अभी 200 ही हुआ है, 199। तो लास्ट ट्रिप ये हुआ है, अभी मैं पाम वाली साइड पर खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 50 मुझे 120 का एक लगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी 3 ट्रांजेक्शन हो गई हैं जी इधर, और इधर भी देख लिया। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह के साथ बेहतर रिजक देने वाली है। आप लोग दुआ करते हो माशाल्लाह, और जिस मकसद के लिए देखते हो अल्लाह ताला आपकी कबूलियत मंजूर फरमाए, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे। तो इंशाल्लाह जी हम भी अभी 1 बज गया है, तो देखते हैं जी कितनी देर तक टाइम काम होता है। जितना भी होगा इंशाल्लाह आपसे ज़रूर एंड पे टोटल करेंगे। तो अभी हमारी 3 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, 2 होटल से कस्टमर पकड़े, 1 रास्ते में कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा आगे ड्रॉप कर दो, मैं आपको 50 दिरहम दे दूंगा। तो जब रिक्वेस्ट बंदा को करता है तो फिर, हालांकि ये काम सही नहीं है, अनलीगल काम है, क्योंकि आप पिकअप करके ड्रॉप नहीं कर सकते विदाउट बुकिंग। लेकिन जब हेल्प की कोई बंदा बात बोलता है तो फिर हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, सिर्फ 2 मिनट का रास्ता था। तो उसने फिर भी मुझे 50 दिरहम दे दिए। दुबई एक वाहद मुल्क है जहाँ पे इंसान बहुत अच्छे हैं, बंदे बहुत अच्छे हैं, नाइस हैं, और यहाँ पे कोई किसी का एहसान नहीं लेता। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई भी बंदा किसी का एहसान नहीं लेता, अगर वो काम करता है तो उसकी उसको उजरत ज़रूर देता है। तो ये दुबई के अंदर मैंने खासियत बहुत देखी है। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाले, इंसान खुद अच्छा हो तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
कि आपको अगला बंदा भी अच्छा मिलेगा। तो अभी खड़े हुए जी बाम वाली साइड पे, देखे माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जैसे ही कोई होता है ट्रिप तो बताते हैं आपको। तो जी होटल पे मैं गया था, वहाँ से माशाल्लाह फिर मुझे कस्टमर मिला 50 का। ये देखें ट्रांजेक्शन आज की डेट की, ये डेट चेक करें तो आज हमारे 4 कस्टमर होटल के हो गए माशाल्लाह। ये 50 वाला उधर से पकड़ा, तो अभी घूम रहे हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा निज़ाम हो गया जी होटल वाला। तो ऑनलाइन में अभी हमारे सिर्फ 5 ट्रिप ही हुए हैं ऊबर और करीम में, 4 ऊबर 1 करीम में। तो इंशाल्लाह एंड भी आपको क्लोज़ करते हैं। तो अभी टाइम हो गया 3:15, तो इंशाल्लाह जैसे ही क्लोज़ करेंगे तो आपसे एंड शो करते हैं कितना हुआ। अच्छा जी, पहले मैंने फ्यूल इसका करवाया था, गाड़ी भी चला रहा हूँ साथ में। तो फ्यूल मैंने जी 50 का डलवाया था, तो तकरीबन 40 दरम का हमारा फ्यूल लगा जी, 40 दरम का। तो ईस्टर्न फ्यूचर म्यूजियम के सामने जा रहा हूँ, तो बाकी अर्निंग आप देखें तो कितनी हुई और फ्यूल हमारा 40 दरम का लगा जी। तो व्यूअर्स अभी करते हैं एंड, 198, ठीक है जी 198। और करीम में हमारा हो गया जी अभी लास्ट है जी, क्योंकि 4:30 हो गए हैं देखें। तो मैं ज़रा चाह रहा हूँ कि अभी टोटल इसमें कर लेते हैं जी, टोटल करते हैं जी इसमें 200 उसमें हो गया जी, 200 करीम में हमारे 2 ट्रिप हुए सिर्फ 42 के, ये 240 हो गए, 240 और काफी लगा जी 40 दरम का। तो इस तरह से 240 हमारे हो गए जी ऑनलाइन, और 240 और 130। अभी मैं जो क्रेडिट कार्ड के वाले वो बताने लगा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, मेरी वीडियो में आपने देखा ही है। पहला जो ट्रांजेक्शन हुई जी वो 130 की हुई, 240 और 130, 370 और 71 से लिए जी, 440 और 50, 490 और 150 का काम मेरा वो हुआ एयरपोर्ट का जो होटल से गया, 490, 500, 600, 650 हो गया जी, 650 और 50 का फिर किया लास्ट में 700। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज की अर्निंग है जी 700 दरम। तो अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है, आप लोगों की दुआ है जी। तो मैंने अभी तकरीबन ये कितने घंटे काम किया, मैं 6 बजे वहाँ से निकला था, आपने देखा स्टार्ट में 6 बजे निकला, और अभी क्या टाइम है जी 4:30, ये देखें 4:30 हो गए अभी, 4:24, ठीक है जी। तो इसका मतलब मुझे 12 घंटे अभी नहीं हुए, मुझे हुए हैं जी 10 घंटे, 10 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह 700 का काम हो गया जी, अल्लाह पाक का शुक्र है जी। तो अभी जाते हैं जी घर, आईडी ऑन कर ऑफ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगेगी, अगर कोई कमी पेशी हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी थका होता हूँ, फिर एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो जो भी होगा टोटल आप करके मुझे बता दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से 710 कम बनते हैं, अगर कोई कमी पेशी हुई तो ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, और इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं तो वो भी मैं क्लियर करूँगा आपके साथ। तो वीडियो मेरी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।